तो यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर बताना है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 45। तो बेसिकली यहाँ पे पेयर होगा ए कोमा बी टाइप का। तो अगर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 45 है, तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए पहली बात तो। और इसको 45 के इक्वल करना है, तो इसको मैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी कर सकता हूँ। और इसको मैं 5 × 9 कुछ इस तरीके का लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको चेक करूँ तो मैं इसको ए माइनस बी को 5 के इक्वल रख सकता हूँ एंड ए प्लस बी को 9 के इक्वल रख सकता हूँ। और यहाँ से अगर मैं चेक करूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास 7 आ रही है एंड बी की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है। एक तो मेरे पास ये आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे और इसके फैक्टर करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 × 45 भी लिख सकता हूँ। तो उससे जो ए माइनस बी है वो 1 आएगा एंड ए प्लस बी मेरे पास 45 आएगा। तो उस केस में ए की वैल्यू मेरे पास 23 आ जाएगी एंड बी की वैल्यू मेरे पास 22 आ जाएगी। और मैं लाने की कोशिश करूँ तो और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 3 × 15 भी लिख सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा, जो ए प्लस बी है वो 15 हो जाएगा एंड ए माइनस बी अपना 3 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 9 आ जाएगी एंड बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो जो एक पेयर है वो इससे भी बन जाएगा। तो बेसिकली 3 पेयर बनेंगे। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम में दे रखा है कि 497A डिविजिबल बाय 3 एंड 560B डिविजिबल बाय 4 है। तो ए एंड बी का ऑर्डर पेयर बताना है अपन को। तो यहाँ पर 497A डिविजिबल बाय 3 है, तो उसके लिए ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकती है। बेसिकली अगर तुम सम करोगे तो 20+ ए आएगा। डिविजिबल होने के लिए जो सम है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। और ए और बी कोई अपन को डिजिट्स लेना है, तो डिजिट्स लेना है तो डिजिट्स 0 to 9 के बीच में 147 लेने पड़ेंगे। और वैसे ही 562B 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो बी की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, 0, 4 एंड 8 हो सकती है। तो बेसिकली अपन ए की भी 3 वैल्यू ले सकते हैं और बी की भी 3 वैल्यू ले सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर अपन को पूछा है, ऑर्डर्ड पेयर अपन कितने बना सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 × 3 का ग्रिड बन जाएगा, तो अपन यहाँ पे 9 पेयर बना सकते हैं। तो 9 अपना आंसर हो जाएगा। यानी मान लो ए की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, तो ए के साथ बी की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, 4 की वैल्यू मैं 4 यहाँ पे मतलब इस ए की वैल्यू 1 के साथ मैं 4 भी ले सकता हूँ, 1 के साथ 8 भी ले सकता हूँ। वैसे ही मैं 4 के लिए भी 3 बना सकता हूँ, 7 के लिए भी 3। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे 9 पेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन दे रखी है, तो अपन को वैल्यू ऑफ पी बताना है ताकि इस इक्वेशन की पॉजिटिव सॉल्यूशन हो। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, दिस तो यहाँ से पी मेरे पास क्या आया, x+2। अब इस इक्वेशन के अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन हो तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा यहाँ पर, तो x को मैं यहाँ से p−2 लिखूंगा। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यानी p−2 को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, यानी p > 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को x की वैल्यू इतनी दे रखी है और अपन को x³ + 1/x³ की वैल्यू पूछी है। तो बेसिकली 1/x की वैल्यू देखोगे तो दिस आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये इतना आएगा, ये तुम्हारे पास आ चुका है। अब यहाँ से जो तुम्हारे पास x+1/x है वो 6 के इक्वल आएगा। यहाँ से जो तुम x+1/x का क्यूब है उसको x+1/x का होल क्यूब −3 × x+1/x लिख सकते हो। तो यहाँ से अगर तुम पुट करोगे तो ये 6³ − 3 × 6 आ जाएगा, जो कि बेसिकली 6 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दिस, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो 198 तुम्हारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम में अपन को एक सीरीज दे रखी है, एन टर्म्स का सम अपन को करना है। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सबका बेस सेम करने के लिए इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी से ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको अगेन लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके ये 2 × 4 × 8, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, या फिर ऐसे भी इसको करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा इसको इस तरीके से करता है, यहाँ पे अभी ये ऐसे ही है। यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 2 बाहर आ जाएगा, फिर 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। तो यहाँ से सारी टर्म में से मैं ये वाली चीज को कॉमन ले लूंगा, और यहाँ पे मेरे पास 1 + 2 + 3 2n तक आएगा। तो यहाँ पर ये log ऑफ 2 (n)(n+1/2) हो जाएगा, इसका अपन को सम पता है, तो ऑप्शन में यही दे रखा था। तो इस तरीके से अपन इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन दे रखा है और पूछा है कौन सी वैल्यू बी सेटिस्फाई करेगी, तो इन चारों में से कौन सी ट्रू होगी। तो यहाँ पे देखना है, तो 8 की पावर यहाँ पे हाफ दे रखा है और ये 10/3 है। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 3/2 आ जाएगी।
और यहाँ से लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये मेरे को 10/3 दे रखा है, तो बेसिकली यहाँ से लॉग ऑफ बी एट दी बेस 2 मेरे पास 5 आया। बी को मैं 2 की पावर अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो कितना लिख सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन मैंने गलत लिखे था, ऑप्शन ये आएगा, तो यहाँ पे बेसिकली इसको मैं 2 की पावर 5 लिखूंगा, तो यहाँ से मेरे पास 32 आएगा, तो 32 इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अपन को ये इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स इसको सेटिस्फाई करेगी वो बताना है। तो सिंपली यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करे तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, ये बेसिकली यहाँ पर अपने पास e की पावर 0 आएगा, यहाँ से ये इसको खोलेंगे तो e की पावर 0 आएगा जो कि 1 के इक्वल होगा, फिर ये 1 को इधर ले जाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर अब ये जो क्वांटिटी है वापस 1 हो जाएगी, फिर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर जो ये वाली क्वांटिटी है फिर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे ये फिर 0 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू p^0 1 आएगी, तो जो अपना आंसर है वो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को यहाँ पे एक्स की वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है 6, 7, 8, 9, तो इनमें से कौन सा ट्रू होगा। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ, तो दोनों तरफ लॉग ले लूँ, तो यहाँ पे दोनों तरफ लॉग लेने के बाद मेरे पास कितना आएगा, मान लो @(10) ले लिया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, ये जो 15√2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 की जो पावर है वो 3/2 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली इसको मैं 18 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा 4x-3 log of this, और यहाँ पे मेरे पास आएगा 3x-2 3x-4, और यहाँ पे 3/2 आएगा और ये आएगा। तो अब मैं इसको दोनों तरफ से कैंसिल कर दूंगा, तो बेसिकली मेरे पास 8x-6 = यहाँ पे मेरे पास 9x-12 आ जाएगा, तो ऐसे जो मेरे पास एक्स है वो 6 आ जाएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को नेक्स्ट प्रॉब्लम दे रखी है, अपन को बताना कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, तो यहाँ पे मैं मोड ऑफ एक्स को टी बोल देता हूँ, जहाँ पे t> 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर देखे सॉरी >= 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो t²-t-2 and 2t-t²-2 ये >0 होना चाहिए, तो बेसिकली इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, t²-t-2 और t²-2t+2 <= 0 होना चाहिए। बेसिकली दोनों तरफ मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1 फिर इसके साइन चेंज कर दिए, तो इस तरीके से आ जाएगा। ऊपर वाली चीज के 2 फैक्टर कर सकते हैं इस तरीके से, और नीचे वाली चीज के भी यहाँ पे अपन ऐसे लिख सकते हैं t-1 का होल स्क्वायर +1, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाली चीज को लेस देन यहाँ पे 0 होना पड़ेगा, तो एक चीज तो अपने पास क्या आ रही है, 2 आ रहा है, और एक -1 आ रहा है, तो +(-+), तो यहाँ पर जो टी है वो बिलोंग करना चाहिए -1 से 2 के बीच में, जो अपना मोड एक्स है वो बेसिकली -1 से 2 के बीच में होना चाहिए, तो मोड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव तो होता ही है, मतलब ये <= 2 होना चाहिए, तो जो एक्स है वो -2 से 2 के बीच में लाई करना चाहिए, तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अपन को बताना है इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इस इक्वेशन के, तो बेसिकली अगर x-3 है तो x-3 की वैल्यू, एक तो बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो बेस की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो x-3 है अगर इसकी वैल्यू अगर 4 हो जाए और या फिर 2 हो जाए, क्योंकि उस केस में भी मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव हो जाएगा उससे, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, नहीं, इसकी वैल्यू तो बनी, मतलब इस मोड ऑफ x-3 की वैल्यू यहाँ पे अगर 1 के इक्वल में पुट करूं तो 1 की पावर कुछ भी होती तो वो 1 ही आएगा, तो उससे बेसिकली यहाँ पर अपने पास एक्स की वैल्यू 4 and 2 आ जाएगी। और सेकेंड केस अपने पास क्या है कि अगर इसकी पावर जैसे 5 की पावर 0 भी यहाँ पे 1 होता है, तो मतलब ऊपर वाली चीज यहाँ पर अपने पास क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो 0 किस किस केस में होगी, अगर तुम इसके 2 फैक्टर करोगे तो x-3 and 3x-1 आएगा, तो यहाँ पर ये 0 हो जाए, तो एक तो एक्स की वैल्यू 3 आ रही है और एक एक्स की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अपन 3 नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर अपन 3 ले ली तो 0/0 बन जाएगा जो कि >= 1 होगा, 0/0 तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, 0^0 0^0 बन जाएगा, तो >= 1 उसको नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे अपन एक्स की वैल्यू 1/3 लेंगे, तो यहाँ पे अपने पास 3 सॉल्यूशन आएंगे, एक तो अपना 4 and 2 आएगा और एक x = 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन पूछा, तो एक सिनेरियो तो क्या है जिसमें ये वाली चीज 0 हो जाए और ये वाली चीज 1 हो जाए, और एक सिनेरियो क्या है जिसमें ये वाली चीज 1 हो जाए या ये वाली चीज 0 हो जाए, दो ही चीज पॉसिबल है। अगर अपन इसको देखे तो यहाँ से अगर अपन देखे तो क्या क्या हो सकता है, तो यहाँ से (2x = y) आएगा, और यहाँ पे x-y = 1 भी हो सकता है और x-y = -1 भी हो सकता है,
तो अगर अपन इसको लेके सॉल्व करें तो मैं वाई की जगह टू, और ये वाली इक्वेशन लूँ तो वाई की जगह टू एक्स पुट करूँ तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा एंड वाई इज इक्वल टू -2 आ रहा है। और यही चीज अगर मैं इसको लेके सॉल्व करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा एंड वाई इज इक्वल टू 2 आएगा। तो एक तो ये चीज हो गई। अभी अब इसकी वैल्यू 1 हो जाए और इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वाई आएगा उस केस में, और 2x-y की वैल्यू 1 एंड 2x-y की वैल्यू -1। तो जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 एंड एक्स की वैल्यू 1 भी आएगा, और एक्स इज इक्वल टू वाई हो रहा है इसमें रखो तो एक्स की वैल्यू -1 एंड वाई की वैल्यू भी -1। तो ऐसे मेरे पास ये 4 यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे अपने पास आंसर। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, इस अगर अपन देखे एक्स को मैं वाई टाइप के तो 4 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब तुम्हें बेसिक मैथ का थोड़ा मतलब समझ में आई होगी, जिसको बेसिक मैथ में प्रॉब्लम हो उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया होगा कैसे करना है। तो वो वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो मिलता है।